नमस्कार, भारत उदय समाचार में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं राहुल जगजीत। दादरा एवं नगर हवेली सिलवासा के लगातार नवरात्रि के कवरेज के बाद अभी मैं पहुंच चुका हूं योगी दर्शन 2 में। योगी दर्शन 2 में अब यहां पर 200 परिवार जो हैं गरबा खेल रहे हैं और नवरात्रि का भव्य त्यौहार मना रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से ये गरबा खेलते हैं। सभी परिवार यहाँ पर एकजुट होते हैं और यहाँ पर गरबा खेलते हैं और नवरात्रि का भव्य त्यौहार मनाते हैं। देख सकते हैं ये विशेष कवरेज। प्लीज़ इस चैनल का मदद जरूर करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे दूसरों को मिल जाए ये न्यूज, और लोगों को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें जिससे दूसरों को भी ये न्यूज मिल जाए। और देखते रहें भारत उदय समाचार की विशेष कवरेज। आइए हम आगे आपको बताते हैं कैसे और क्या होता है इस कॉम्प्लेक्स में। चलिए हम अब बात करते हैं अष्टमी और नवमी। अष्टमी नवमी अगर बात करें तो खासकर यहाँ पर जो हवन होता है और पूजा होता है विशेष अष्टमी नवमी का, यहाँ पर 8 जोड़ा बैठकर यहाँ पर पूजा करते हैं माँ नवरात्रि जो माँ दुर्गा है उनका, और यहाँ पर हवन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर शेड्यूल जो है इनका वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर अभी 8 जोड़ा यहाँ पर बैठे हुए हैं जिसमें संदीप कुमार तिवारी जो हैं और जोशी जी, पंचाल अल्पेश, नितिन, उसके बाद हिरेन, मनीष, अर्चना, अल्पेश, ये सभी यहाँ पर देख सकते हैं वो अपने परिवार के साथ बैठे हैं। वो सभी 8 जोड़ा में बैठे हैं और यहाँ पर पूजा कर रहे हैं नवरात्रि गरबा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप विशेष कवरेज देख रहे हैं योगी दर्शन 2 का। योगी दर्शन 2 आपको बता दें जो तिरुपति बालाजी मंदिर है वहीं पर स्थित है, और यहाँ पर देख सकते हैं लोग सभी यहाँ पर पूजा में लगे हुए हैं। जो महाराज हैं यहाँ के सभी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। 10वें दिन की बात अगर करें, 10वें दिन महाप्रसाद का जो आयोजन होता है इसमें पूरे जो परिवार के यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, रहवासी हैं, वो सभी यहाँ पर महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। महाप्रसाद का आयोजन होता है, गरबा खेलते हैं सभी लोग। और खासकर अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए खास कंपटीशन की तैयारी होती है जो 10वें दिन तक चलती है। उसके बाद सभी बच्चे यहाँ पर खासकर गरबा तो खेलते ही हैं, लेकिन उससे पहले गरबा खेलने से पहले उनके लिए कंपटीशन का आयोजन होता है जिसमें विभिन्न तरह के आयोजन किए जाते हैं। और जो चेयर डांस हुआ वगैरह वगैरह जो है उसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कंपटीशन भाग लेते हैं। और यहाँ पर रहवासियों के द्वारा विशेष आयोजन किया जाता है जिसमें उनके बच्चों को और प्रोत्साहन किया जाता है और पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया जाता है। आइए हम आपको आगे और बताते हैं। खासकर अगर डांडिया की बात करें और गरबा की बात करें तो आदिवासी जो लोग हैं और जो यहाँ ये रहवासी हैं इस कॉम्प्लेक्स के, यहाँ पर देख सकते हैं आप आनंदपूर्वक गरबा खेल रहे हैं और आप देख सकते हैं आनंद भी ले रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स के रहवासी जो हैं। विशेषकर एक साल का त्यौहार है नवरात्रि का, सभी लोग पर भाग लेते हैं और इस नवरात्रि को मिस नहीं करते हैं। और गरबा की अगर बात करें तो सचमुच ये गरबा तो एक बहुत ही आनंदमय एक वातावरण रहता है नवरात्रि का, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं गरबा का आनंद लेने के लिए पूरे गुजरात में। और दांडिया तो आप समझते हैं कितना भव्य होता है। खासकर आइए हम आपको आगे और विशेष कवरेज दिखाते हैं भारत उदय समाचार की। इस चैनल का मदद करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहें भारत उदय समाचार।